हरदोई भरा वन क्षेत्र के अंतर्गत पुष्पा देवी बिंद्रा प्रसाद इंटर कॉलेज सेवाडेह में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान व महापुरुषों पर पुष्प अर्पित करते हुए मां स्वर्गीय पुष्पा देवी जी को याद करते हुए उनके पावन कमल रूपी चरणों में शत शत नमन किया व नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा स्वागत गीत भारत माता झांकी, शेरा वाली माँ झांकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, अनपढ़ बीबी और बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर नाटक एवं बच्चों के द्वारा देशभक्ति नाटकीय का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें 161 विधानसभा संडीला के भारतीय जनता पार्टी की विधायिका अलका सिंह अर्कवशी जी ने बच्चों से कहा कि आगे बढ़ना है तो खूब मन लगाकर पढ़ो, पुष्पा जी की तरह नाम रोशन करो। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश अकरवंशी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा शुभम शुक्ला, आंसू अकरवंशी, संतोष अकरवंशी, उमेश अकरवंशी, जिला पंचायत ललित कुमार, शोभित तिवारी, विद्यालय के प्रबंधक बिंद्रा प्रसाद, प्रधानाचार्य राम किशोर मिश्र, संरक्षक सतीश कुमार, संचालक इंद्रेश कुमार, व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक राजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, कैलाश प्रसाद, दिनेश कुमार दीक्षित, अब्दुल गनी, दयाशंकर, अमित भाई, जीत बहादुर, पूर्व अध्यापक सुरेश कुमार व अध्यापिका मालती वर्मा, शिव देवी, राम देवी, नीलम रावत, संध्या अकरवंशी व कढ़ीले प्रसाद, लाखन आर्मी विधानसभा अध्यक्ष विकास कुमार पासी, संदीप कुमार भाकियू, अनुज कुमार, अतुल कुमार रावत, अनुज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता कौशल, डीबी दिनेश आर के की रिपोर्ट। जबकि महिलाओं को लोग आज भी होता ना, आप सबको माता पिता थोड़ा दायरे में रखते हैं कि बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है। उस महिला ने इतना भव्य स्कूल खोल दिया और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार तक नहीं, आप बच्चियों को भी एक राह दिखाई। ये सब कब हो पाया? जब हमारे देश में संविधान था, उनको वो हक मिला, वो बेटी थी, उनको हक मिला कि एक बच्ची भी पढ़ सकती, समानता का अधिकार रखती है, एक बच्ची भी वो कर सकती है जो वो चाहती है। आप सब भी पुष्पा देवी बनने की कोशिश करें। पुष्पा देवी बनिए, ये नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गई घर बैठ गए, पुष्पा देवी बनिए और ऐसे हजारों विद्यालय खोल दीजिए और बच्चियों की जिंदगी रोशन करें। जिस दिन आप ठान लेंगी ये देश बदल जाएगा, ये गांव बदल जाएगा और आप सबका दशा और दिशा बदल जाएगी। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार आप बच्चों को, जो बच्चे हाई स्कूल कर रहे हैं, जो बच्चे इंटर कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार आप सभी के बोर्ड होंगे, याद रखिए कि जो भी व्यक्ति ठान लेता है, अभी परसों UPPCS का रिजल्ट आया है, एक आरक्षी सिपाही, अभी इसी जनपद की बात करूं, वो सिपाही है, नाम है दीपक, ठीक है। उस लड़के ने नौकरी करने के साथ भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज उसका SDM में सिलेक्शन हो गया है। कल हरदोई के जो कप्तान है, जिन्हें आप SP कहते हैं, उन्होंने और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। आप उस जादुई माहौल में बैठे, तो शिक्षा है ना, एक तिलिस्म है, एक जादू है। और बाबा साहब ने क्या कहा था कि ये वो दूध है, ये उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहती हो, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत चाहती हो ना, आप सब चाहते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा बने, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हमारा नाम हो, ये संभव है। और उसका एक जादू है, वो है शिक्षा। आप शिक्षित हो जाइए, ये जादू पुष्पा देवी जी आपके हाथों में देकर गई है। ब्लॉक भरावन से कार से आने में समय लगता है और आज से सालों पहले तो यहाँ सड़क नहीं रही होगी। उस स्थिति में उस महिला ने यह स्कूल बना दिया, ये सोच लिया कि मुझे इस क्षेत्र की बच्चियों को पढ़ाना है। मैं आई थी जब उनकी 13वीं थी, बहुत मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र में ऐसी कर्मठ महिलाएं हैं, आप सब भी ये कर सकती हैं। आपको वो जादू देकर कहेंगे शिक्षित होइए। और ये संविधान हमारा हमें हक देता है कि हम बच्चियां, जैसे कि पहले हमारे जो कुर्ते होते थे पढ़ने नहीं देते थे, बच्चों को घूंघट में रखना, शिक्षित ना करना, ये सारी कुरीतियां व्याप्त थी, बाल विवाह कर देना। लेकिन आज क्या है, आप पढ़ सकती हैं, आप अपना करियर चूज कर सकती हैं, आप जैसे चाहे जीवन जी सकती हैं। और ये सारी स्वतंत्रताएं आपको कौन प्रदान करता है? आपका संविधान, आपका हक आपका संविधान देता है।
तो उन सभी सम्मानित महापुरुषों के लिए सादर नमन करती हूँ जो हमारे लिए जीवन के अनंत रास्ते खोल गए हैं। चाहूंगी कि आप सभी बच्चियां और यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग हों, आप सभी कम से कम एक महानुभाव महिला के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो पुष्पा देवी जिस दिन आप बनने का ठान लेंगी, उस दिन आप पुष्पा देवी से आगे चली जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के भविष्य के लिए। जो भी सम्मानित जन यहाँ आए हैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए विशेष शुभकामनाएं, इस बार आपका बोर्ड है। परमात्मा आपको वहां पर ले जाए और आपको दीर्घायु करे जहाँ आप चाहते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की पुनः अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, हार्दिक सादर। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।